वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल कोडिंग इन हिंदी। अब मेडिकल कोडिंग सीखे हिंदी में। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। आज लेके आए हैं मोहस माइक्रोग्राफिक सर्जरी पर वीडियो। सीपीसी एग्जाम में मोहस माइक्रोग्राफिक सर्जरी पर 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये मोहस माइक्रोग्राफिक सर्जरी होती क्या है। मल्टीपल लेयर में त्वचा पर दिखाई देने वाले लीजन को निकालने के लिए एक सर्जिकल प्रोसीजर करी जाती है। सबसे पहले कैंसर युक्त टिश्यू की एक थिन लेयर को हटा दिया जाता है, फिर टिश्यू की दूसरी थिन लेयर को हटा दिया जाता है और कैंसरस सेल की जांच के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। एक समय में एक से अधिक लेयर्स को एक्साइज किया जाता है जब तक कि माइक्रोस्कोप के नीचे देखे गए टिश्यू में कोई शेष कैंसर की सेल ना हो। इस प्रकार की सर्जरी का उपयोग जितना संभव हो उतना कम सामान्य टिश्यू को हटाने के लिए किया जाता है। मोहस माइक्रोग्राफिक सर्जरी का उपयोग विभिन्न प्रकार के ट्यूमर के इलाज के लिए किया जा सकता है। मोहस माइक्रोग्राफिक सर्जरी के लिए आवश्यक है कि स्किन ट्यूमर लगातार बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त मोहस माइक्रोग्राफिक सर्जरी को विशेष रूप से माना जाता है कि ट्यूमर के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है, जो पेरिन्यूरल आक्रमण को प्रदर्शित करता है। हाई रिस्क वाले शारीरिक क्षेत्रों में जो ट्यूमर होता है, जो ट्यूमर इनकम्प्लीटली एक्साइज किया गया है, ऐसे कंडीशन में मोहस माइक्रोग्राफिक सर्जरी का उपयोग किया जाता है। मोहस माइक्रोग्राफिक सर्जरी के हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मोहस माइक्रोग्राफिक सर्जरी 1930 के दशक में फ्रेडरिक एडवर्ड मोहस द्वारा विकसित की गई थी। 1970 के दशक के दौरान फ्रेश टिश्यू टेक्निक मोहस सर्जरी का मुख्य रूप बन गया। सर्जरी के लिए लगने वाले टाइम को कम करना, सर्जरी के वजह से पेशेंट को होने वाला दर्द कम करना और कॉस्मेटिक्स रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट करना था। यह आज कुछ प्रकार के त्वचा कैंसर के लिए सबसे इफेक्टिव सर्जरी मानी जाती है। नीचे कुछ डिसीज कंडीशन दिए गए हैं जिसके ट्रीटमेंट के लिए मोहस माइक्रोग्राफिक सर्जरी करते हैं, जैसे कि बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वीमस सेल कार्सिनोमा, डर्मेटोफाइब्रोसारकोमा प्रोट्यूबरेंस, माइक्रोसिस्टिक एडनेक्सल कार्सिनोमा, एटिपिकल फाइब्रोक्सांथोमा, सुपरफिशियल लायोमायोसारकोमा, मैलिग्नेंट फाइब्रस हिस्टियोसाइटोमा, मेलानोमा, सेबेशियस कार्सिनोमा, मर्कल सेल कार्सिनोमा, एक्स्ट्रामेमरी पेजेट्स डिजीज। अब देखते हैं सीपीटी कोडिंग। मोहस माइक्रोग्राफिक सर्जरी को कोड करने के लिए 5 नंबर ऑफ कोड दिए गए हैं, जिसको 2 एनाटॉमिकल ग्रुप में डिवाइड किया है। फर्स्ट ग्रुप में हेड, नेक, हैंड्स, फीट, जेनिटेलिया और एनी लोकेशन विद सर्जरी जो डायरेक्टली मसल, कार्टिलेज, बोन, टेंडन, मेजर नर्व्स और वेसल्स के साथ इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट कोड है 17311 जो फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट 5 ब्लॉक को कोड करते हैं। सेकेंड कोड है 17312, ये फर्स्ट ग्रुप का ही एड ऑन कोड है जो इच एडिशनल स्टेज के लिए 17312 कोड यूज करते हैं। सीपीटी कोड 17312 सिर्फ सीपीटी कोड 17311 के साथ कोड करते हैं। अब देखते हैं सेकंड एनाटॉमिकल ग्रुप, जिसमें ट्रंक, आर्म्स और लेग्स ये एनाटॉमिकल एरिया आते हैं। इस ग्रुप में भी 2 सीपीटी कोड है। फर्स्ट कोड है 17313, 17313 फर्स्ट स्टेज के 5 ब्लॉक्स तक यूज करते हैं। सेकंड कोड है 17314, ये एड ऑन कोड है जो इच एडिशनल स्टेज के लिए कोड करते हैं। सीपीटी कोड 17314 सिर्फ सीपीटी कोड 17313 के साथ कोड करते हैं। इच एडिशनल ब्लॉक के लिए 17315 कोड यूज करते हैं। 5 के ऊपर जितने भी ब्लॉक होंगे उतने टाइम 17315 कोड यूज किया जाता है। सीपीटी 17315 कोड को कोड 17311 और 17313 के साथ कोड करते हैं। तो अब देखते मोहस माइक्रोग्राफिक सर्जरी पर एक एग्जांपल। पेशेंट हैज बेसल सेल कार्सिनोमा ऑन हिज अपर बैक। द मैप वाज प्रिपेयर्ड टू कोरेस्पोंड टू द एरिया ऑफ स्किन वेयर द एक्सिशंस ऑफ द ट्यूमर विल बी परफॉर्मड यूजिंग मोहस माइक्रोग्राफिक सर्जरी टेक्निक। देयर वर 3 टिश्यू ब्लॉक्स दैट वर प्रिपेयर्ड फॉर क्रायोस्टैट, सेक्शनड एंड रिमूव्ड इन द फर्स्ट स्टेज। देन अ सेकंड स्टेज हैड 6 टिश्यू ब्लॉक्स व्हिच वर आल्सो कट एंड स्टेन्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। The entire base and margins of the excised pieces of tissue were examined by the surgeon. No tumor was identified after the final stage of the microscopically controlled surgery. What procedure codes should be reported? Patient ki sirf mohas micrographic surgery ki hai, jisme option C rule out kiya jayega kyunki is option mein 17260 code hai. Option B mein code 17314 do baar diya hai. Aur sirf ek hi additional stage hai. तो ऑप्शन बी रूल आउट हो गया। अब ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में सेकंड स्टेज के लिए सीपीटी कोड 17314 नहीं दिया तो ऑप्शन बी भी रूल आउट हो गया। बाकी रहा है ऑप्शन डी। पहले स्टेज में कोड 17313 को रिपोर्ट करने के लिए 3 टिश्यू ब्लॉक्स एक्साइज किए गए हैं। दूसरे स्टेज में 6 ब्लॉक्स एक्साइज किए गए हैं, इसी वजह से 2 कोड को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। कोड 17314 में पहले 5 टिश्यू ब्लॉक्स इंक्लूड हैं।
और कोड 17315 सेकेंड स्टेज का एक एक्साइज टिश्यू ब्लॉक्स बाकी है, यानी कि सिथ टिश्यू ब्लॉक को कवर करता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड शेयर द वीडियो।